जो है उनकी नजर आपको मिलना है। अगर तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इस तरह की दूरी पकड़ना और आपको गाड़ी की शहर नहीं मिलता था। दिया भाई दिया कट दिया दिल्ली जिप जिप्सी ला रही है कि अच्छा चल कोई नीच पीछा नीच पीछा नीच पीछा। तो ये पानीपत के मित्तल मेगा मॉल में एक सपा सेंटर में रेड भी पड़ी है थोड़ी देर पहले। कई युवतियों को और महिलाओं को हिरासत में लिया गया, आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से। सेक्टर 25 मित्तल मेगा मॉल में ये रेड हुई है सपा सेंटर में। मसाज पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था, जो सूचना पुलिस को मिली थी बोगस ग्राहक भेजा गया था, उसके बाद इन्हें हिरासत में लिया गया है। मुंह छिपाए ये शख्स आप देख सकते हैं। कुछ युवतियां भी हैं, छोटी उम्र की युवतियां बताई जा रही हैं। तो पानीपत पुलिस की बड़ी रेड गुप्त सूचना के आधार पर यह सारी कार्रवाई हुई है। कई दिनों से ये मसाज पार्लर यहाँ चलाया जा रहा था। तो DSP 30 वर्ष खुद मौके पर हैं। छोटी उम्र की ये लड़कियां जो है पकड़ी गई हैं। सपा सेंटर में रेड थोड़ी देर पहले हुई है और बड़ी कार्रवाई पानीपत पुलिस ने की है। आप देख सकते हैं कि इन्हें यहाँ से ले जाया जा रहा है। कई युवतियों और कई महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। सपा सेंटर ये चलाया जा रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर जरूर करें। ये पानीपत में पिछले कई दिनों से मसाज पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट जो चलाया जा रहा था, उसी की लाइव कवरेज जो है वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से आप देख रहे हैं। मित्तल मेगा मॉल में ये मसाज पार्लर बनाया गया था और वहीं कई दिनों से मसाज पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट का धंधा चलाया जा रहा था। ये एक शख्स भी जो है पुलिस की हिरासत में है। तो इन महिलाओं को ले जाया जा रहा है, युवतियों को ले जाया जा रहा है, इन्हें सबको हिरासत में ले लिया गया है और 30 वर्ष ने खुद कार्रवाई किया। DSP और बोगस ग्राहक भेजा गया था यहाँ पर, उसके बाद इन्हें हिरासत में ले लिया गया है। कई महिलाएं और कई युवतियां जो है इस समय पुलिस की हिरासत में आप देख सकते हैं। बड़ी रेड पानीपत पुलिस ने की है। मित्तल मेगा मॉल में मसाज पार्लर है, वहाँ पर ये मसाज पार्लर की आड़ में देह व्यापार का धंधा जो है जो सूचना आ रही थी पुलिस के पास वो चल रहा था। अभी पुलिस ने रेड मारकर सभी को पकड़ लिया है। बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर करें। कुछ युवतियाँ हैं छोटी उम्र की और कुछ महिलाएँ हैं जो पुलिस की गिरफ्त में आई हैं। तो पूरा मामला क्या है इसके बारे में DSP 30 वर्ष से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें लाइव कवरेज के दौरान आप देख रहे हैं कि मसाज पार्लर में ये लड़कियाँ पकड़ी गई हैं। मित्तल मेगा मॉल का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ा मामला था ये। DSP 30 वर्ष हैं हमारे साथ। सर 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 कैसे पता चला ये? देखिए गुप्त सूचना के आधार पर पता चला था कि यहाँ पर कुछ गलत काम होता है, उस आधार पर हमने रेड की थी। तो अभी आप देख रहे हैं रेड का लाइव ही देख रहे हैं क्या है। अभी चल रही है कार्रवाई, थोड़ा सा फाइनल आपको थोड़ी देर तक बता पाएंगे। एक बार नाम पते सारे कौन कौन उसके को मसाज पार्लर का मालिक भी गिरफ्तार हुआ? हाँ मालिक ही बता रहा था, जो पकड़ा था उसमें जो काउंटर पर था वो मालिक ही बता रहा है। अभी बाकी पूछताछ से ही पता लग पाएगा। कितनी युवतियाँ थी सर अंदर? आपने काउंट किए हैं 8-10 लड़कियाँ तो हैं। तो ये किस नाम से चलाया जा रहा था जी? अभी सारी डिटेल में थोड़ी देर तक बता पाऊँ क्योंकि अभी आपने देखा ही रेड में ही बिजी थे। तो अभी सारा नाम पते नोट करके एग्जैक्ट आपको थोड़ी देर तक ब्रीफ में कर दूँ। तो बोगस ग्राहक बनाया गया था जी आपकी तरफ? यस बोगस ग्राहक बना के भेजा था। तो मसाज पार्लर के आड़ में कोई सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। कोई आपत्तिजनक कोई चीज़ मिली मौके पर क्या मिला जी? ये सारी डिटेल में बाद में बताऊंगा आपको, सब आपत्तिजनक था। हमने जो साइन करके जो नोट दिए थे हमारे डकाए को वो रिकवर हुए हैं और बाकी वहाँ देखने से लग ही नहीं रहा था कोई कि यहाँ पर कोई ब्यूटीशियन का या मसाज पार्लर का कोई काम होता है, ऐसा नहीं था। वो देखने से ही लगता है कि भी ये ठीक गलत काम के लिए ही यूज़ हो रहा है। तो अभी हम इसमें FIR दर्ज करके फर्दर कार्रवाई। कुछ लड़कियाँ नाबालिग भी बताई जा रही है इसमें जी? जो अभी तो अभी देखने से पता लगेगा, उनके हम डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, उनको पूछेंगे तब पता लगेगा कि नाबालिग हैं कि नहीं। थोड़ा सा ब्रीफ करें सर, आपत्तिजनक क्या चीज़ मिली आपको जिसके हिसाब से ये सारा शक हुआ जी? देखिए आपत्तिजनक कंप्लेंट थी, जैसे गुप्त सूचना थी कि वहाँ पर ऐसा है, तो हमने बोगस ग्राहक बना के उसको नोटों पर साइन करके दिए और वो रेड सक्सेस हुई है। वो बाकी सारी चीज़ें बताने की नहीं होती ओपनली, वो तो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें हैं सब फाइल पर। इसके अलावा भी और कहीं रेड मारी जा सकती है? काफ़ी जगह सपा सेंटर चल रहे हैं, जैसे जहाँ की भी सूचना मिलेगी तुरंत रेड होगी। तो ये बड़ी रेड जो है बताई जा रही है। DSP 30 वर्ष हमारे साथ जुड़े थे। कई युवतियां और कई महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। तो सपा सेंटर का ये मामला बताया जा रहा है। पानीपत के मित्तल मेगा मॉल में ये सपा सेंटर जो है चलाया जा रहा था।
तो ये मित्तल मेगा माल की जो लाइव कवरेज है हम लोग आपको इस समय दिखा रहे हैं। सभी को हिरासत में ले लिया गया है और युवतियां और महिलाएं हैं जितनी काफ़ी संख्या में पुलिस को यहां से बरामद हुई है। अंदर आपत्तिजनक जो हैं चीज़ें यहां पर मिली हैं। बोगस ग्राहक जो है पुलिस की तरफ से तैयार किया गया तो रेड मारी थी और इसी को लेकर DSP ने खुद यहाँ पर कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया है। एक जो अपने आप को मालिक बता रहा था वो भी अभी गिरफ्तार हुआ है और उसे पुलिस जो है अपने साथ ले गया है। DSP इस वक्त खुलकर अभी बताना नहीं चाह रहे थे भी ये मामला पूरा क्या है, लेकिन बड़ी जो कवरेज है वो आप इसमें लाइव देख रहे हैं। मित्तल मेगा माल के बाहर से आप ये तस्वीरें जो हैं देख रहे हैं। आप बताएं कौन है, आप बताएं कौन है भाई साहब? मैं मॉल मैनेजर हूँ। मॉल मैनेजर हो? हाँ, तो मॉल में ये काम कर रहे थे, आपको पता नहीं था? किस चीज का काम कर रहे हैं? ये जो पुलिस ने रेड मारी है। हाँ, तो पुलिस ने रेड मारी तो क्या है? क्या कुछ नहीं मिला है? क्या है मौके पर उन्होंने आपत्तिजनक हालात में सारा कुछ क्या चीज पकड़ी हमें बता दो तो वो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में बताएगी ना। आप फैसला क्यों ले रहे हैं सर? हम तो मीडिया में दिखाना ही चाह रहे हैं। दिखा रहे हैं लेकिन फैसला क्यों ले रहे हैं? हमने फैसला लिया। मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे हैं? आपने DSP साहब ने जो बोला हमने वही चला। आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होगी, जो भी रिजल्ट आएगा देख लेंगे। इन्वेस्टिगेशन में जो उन्होंने बोला हम लोग वही दिखा रहे हैं। आप वो दिखा रहे तो मीडिया ट्रायल नहीं कर रहे? नहीं, आप मीडिया ट्रायल नहीं कर रहे। उन्होंने बताया बोगस ग्राहक भेजा और उसके बाद ये जो उन्होंने बताया है हम भी देख लेंगे, उसको मीडिया में भी आ जाएगा और ऑब्वियसली जब ट्रायल होगा तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। तो फिर आप मीडिया को दबा रहे हैं? मीडिया ने नहीं दिखाया अभी तक, कवरेज नहीं। मीडिया को क्यों दबा रहे? मीडिया तो दिखाया जो सच। पुलिस ने रेड मारी, मीडिया ने दिखा दिया। हाँ, तो मीडिया ने कवरेज कर लिया। हाँ, that's all। तो फिर इसमें फिर आप हमारे से बहस क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं बहस कर रहा हूँ। आप बहस क्यों कर रहे हैं? मैं बहस कर रहा हूँ। हो गया जो कि आप जाओ भाई, हो गया ना। और क्या कर रहे हैं आप? माल मैनेजर, आपको पता नहीं मतलब मसाज पार्लर के आड़ में सेक्स रैकेट चल रहा था यहाँ? सेक्स रैकेट आपने देखा अभी? पुलिस ने बताया, DSP सर ने बताया, DSP सर ने बता दिया। हो गया प्रूफ? प्रूफ हो गया। हाँ, तो DSP वैसे ही बता उनको, वैसे आप बताएं DSP इतनी औरतों को हिरासत में लेके वैसे चले गए? ऐसा है, आज पहले तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मेरी सुबह से मीटिंग चल रही थी इन लोगों से। ठीक है, बातचीत चल रही थी मेरी, मैंने बताया, मैंने इनकी हेल्प मांगी, सारी चीजें हमने अपने मॉल में भी डिस्कस की, मैनेजमेंट से भी डिस्कस की। ठीक है, तो इसमें आप ये कह रहे कि आपको नहीं पता या मेरे को पता था क्या चल रहा है? तो ये चीजें इन्वेस्टिगेशन में निकलेंगे। आपने यही आते कहा कि आप कैसे कर रहे हो, आप मीडिया ट्रायल कर रहे हो, आपको पता DSP ने रेड मारी? इतनी लड़कियां यहाँ से बरामद हुई? आपको नहीं पता? आपने लड़कियां बरामद? आपको नहीं पता? आपने देखा लड़कियां? आपको नहीं पता? फिर आप मीडिया से? आपको नहीं पता? आपको नहीं पता? इससे पहले भी यहाँ एक जज ने रेड मारी थी, कितनी लड़कियों को पकड़ा था? क्या निकला उसमें? उसमें अरेस्टिंग हुई थी? नहीं, क्या निकला उसमें? उसमें अरेस्टिंग हुई? जीरो था। क्या रिजल्ट? जीरो बता दो मुझे, कहाँ है, किसी के पास कुछ है उसमें? तो आप बाद में मिलना, आपको पूरी इन्वेस्टिगेशन बताएंगे। तो ये मॉल का मैनेजर है और पूरी उससे ये चलाया जा रहा था मिली भगत से ये मामला, जैसा कि मैनेजर मीडिया पर ही जो है गलत इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद देखा कि DSP ने बोगस ग्राहक बनाकर यहाँ पर रेड मारी है और कहीं युवतियों को हिरासत में लिया गया है और कहीं महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। कोशिश करते हैं आपको वो माल दिखाने की जहाँ पर ये सारा काम वालों में पहले भी रेड पड़ चुकी है। मोहित अग्रवाल जो जज यहाँ पर हुआ करते थे उन्होंने यहाँ पर रेड मारी थी और सपा की आड़ में जितने भी मसाज पार्लर यहाँ पर चल रहे थे उस पर रेड मार के कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। तो ये मॉल का निचला एरिया है, आपको बता दें जहाँ पर ये सपा चलते हैं। अभी यहाँ पर कई सपा सेंटर जो हैं चलते दिखाई देंगे और पुलिस ने यहाँ पर रेड की है। मित्तल मेगा माल के जो मैनेजर हैं वो मीडिया से यहाँ पर झड़पते नज़र आए हैं। तो कवरेज को, लाइव कवरेज को ज़्यादा से ज़्यादा आप वायरल जरूर करें ताकि हर आम आदमी तक ये बात पहुँच जाए कि मित्तल मेगा माल में ऐसे क्या काम होते हैं। तो नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, आप जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। तो ये नीचे जो है सपा सेंटर बनाए गए हैं पानीपत के अलग अलग मॉल्स में। ये सपा सेंटर जो पिछले दिनों भी चल रहे थे, जो रेड कई साल पहले जो जज मोहित अग्रवाल है उन्होंने मारी थी, उस रेड के दौरान ये सारा सामान जो है आपत्तिजनक ये मिला था। तो ये द डायमंड सपा, द ईडन सपा एंड हेल्थ केयर, तो ऐसे कई सपा सेंटर जो है आपको द न्यू एरा सपा सेंटर ऐसे पानीपत में कहीं दिख जाएंगे मित्तल मेगा माल के बाहर। तो इसी सपा सेंटर में थोड़ी देर पहले जो है रेड की गई है, पुलिस को काफ़ी कुछ यहाँ पर मिला है आपत्तिजनक हालत में। और मित्तल मेगा माल सेक्टर 25 में पहले भी एक रेड पड़ी थी और उसके बाद आज ये दोबारा रेड पड़ी है। DSP 30 वर्ष ने अपनी पूरी टीम के साथ रेड यहाँ पर मारी है, रेड उनकी सक्सेसफुल भी हुई और कई लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें कई युवतियाँ और कई महिलाएँ भी
शामिल हैं जो बताया जा रहे हैं। तो इसी सपा सेंटर का ये मामला जो है बताया जा रहा है, यहीं सपा सेंटर में थोड़ी देर पहले यहाँ पर पुलिस की रेड हुई है। तो ये सपा सेंटर है जहाँ पर पुलिस ने थोड़ी देर पहले रेड मारी है। दो तीन सपा सेंटर इकट्ठे हैं जहाँ पर रेड मारी गई है। तो पुलिस को काफ़ी सामान जो है यहाँ पर मिला है जैसा कि बताए जा रहे हैं। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल जरूर करें ताकि हर आम आदमी तक ये खबर जो है पहुँच सके। और अभी क्योंकि थोड़ी देर पहले 30 वर्ष जो हैं सभी को साथ लेकर चले गए हैं। क्या क्या उनके नाम हैं, ये युवतियाँ कहाँ से आती हैं, कौन सी महिलाएं हैं, किस स्थान से आती थी, उनको क्या लालच दिया जाता था, इसके बारे में भी जो है खुलकर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही बात सामने आएगी। तो फिलहाल ये सपा सेंटर 3 यहाँ पर बताए जा रहे हैं जहाँ पर पुलिस ने एक के बाद एक जो है रेड की है और उन महिलाओं और युवतियों को हिरासत में लिया गया है। एक नाम क्या है वो भी पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद बताएगी। तो फिलहाल आप जुड़ रही है वैसा पानीपत के साथ, बड़ी खबर के साथ हम लोग आपको रूबरू करवा रहे हैं कि सपा सेंटर में रेड की है और कहीं महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। तो इसी खबर से साथ अभी हम बने हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को यही अंदर जाने की कोशिश करते हैं। अंदर क्या है, तो यहाँ ये पूरी तरह से यहाँ पर बना के इसको बंद रखा जाता है ताकि कोई ग्राहक अंदर इकट्ठा ना जाए। तो इस तरह के सपा सेंटर जो हैं बनाए जाते हैं अंदर। अंदर की तस्वीरें आपको पता है, यहाँ पर मसाज पार्लर इन्होंने खोल रखा है, मसाज होती है। मसाज के बाद जो है यहाँ पर गलत काम हो रहा था जैसा कि अभी DSP साहब बता रहे थे। एक बोगस ग्राहक जो है, इसकी रोशनी जो है बिल्कुल हल्की कर दी जाती है, नीली रोशनी आप देख सकते हैं, नीली रोशनी कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर मसाज की जाती है। मसाज पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जाता है जैसा कि बता रहे हैं। पुलिस को यहाँ से कुछ आपत्तिजनक हालत में मिला है, उसके बाद ही पुलिस ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और जुड़ रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। अभी 3-4 कमरे ऐसी हैं तो यहाँ पर रेड हुई है। तो जुड़े रहिए आप वॉइस ऑफ पानीपत के साथ, पल पल की अपडेट जो है। जो दर्शक अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि बड़ी रेड हुई है पानीपत में मित्तल मेगा मॉल में। अभी थोड़ी देर पहले DSP ने जो छापा मारा है उस दौरान जो है कई युवतियाँ और कई महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंजाल के साथ कुलवंत सिंह। अपना